Inshallah, whenever we have a physical class, I'd get to know more of you all. And over the class also, you know, few people would just come to light. So, you know, we'd be able to get to know you as well. We have altogether 75 participants, 35 have joined in. We just wait one more minute and then we begin. Okay, so we begin formally now. Assalamu alaikum, all the students who have come in, who are joining in. Maybe you can go and visit the lecture later on. Welcome to the class of current affairs. And today we are preparing this very important topic and very important, in fact, subject in CSS, which is one of the compulsory subjects. But I'm going to put your mind to ease today. And I'm going to tell you that current affairs is something जो आप रोज जब सुबह उठते हैं आप इनकाउंटर करते हैं थ्रू न्यूज इनकाउंटर करते हैं थ्रू न्यूज दैट प्रोबेबली योर मदर कम्स इन और वो कहती है कि उठ जाओ तूफान आ रहा है और तुम सोए हुए हो तो यू नो यू हैव साइक्लोन कमिंग इन इट माइट हिट कराची एनी डे और उसके ऊपर लोग हर तरह की प्रेडिक्शन दे रहे हैं तो दैट इज करंट अफेयर अगेन एंड इफ यू राइज अप इन द मॉर्निंग और आपके डैड कहते हैं कि तुम भी कुछ कर लो दुनिया ये कर रही है और दुनिया वो कर रही है तो दुनिया जो ये और वो कर रही है दैट इज ऑल करंट करंट न्यूज आपके हर इर्द गिर्द आपके पास हमेशा से मौजूद है यू आर सीइंग करंट न्यूज हैपनिंग ऑल अराउंड यू तो सी एस एस के लिए आपको उस करंट न्यूज को रेलिवेंट न्यूज को कैच करना है Before we begin into कि आपकी ये observation skill कैसे develop होगी, let me tell you that if you read a newspaper, और newspaper reading की मैं आपको technique भी बताऊंगी, I will tell you how to go about newspaper reading, how to source it out और उस paper को attempt कैसे करना है, लेकिन उससे पहले इससे पहले कि हम paper और current affairs को subject wise देखें, उससे पहले हम थोड़ा सा syllabus के ऊपर गौर कर लेते हैं क्योंकि आज ही का दिन है इंट्रोडक्शन का क्लास हम बीच बीच में छोटे छोटे पैकेट्स में ये बात तो जरूर करेंगे कि करंट अफेयर्स का कौन सा सवाल कैसे करना है और उसको बेटर वे ऑफ जो है अटेम्प्ट क्या होगा लेकिन सिलेबस के ऊपर बात करना और उसके सवालों को थोड़ा सा दोबारा से रिफ्रेश करना ये जरूरी होगा आई एम नॉट गिविंग यू माई इंट्रोडक्शन येट बिकॉज आप लोगों ने प्रोमो बहुत देखा है इन द एंड आई टेल यू हु आई एम एंड व्हेन आई क्वालिफाइड सी एस एस बट वी गोना टॉक अबाउट मोर मेजर इशूज राइट नाउ क्योंकि कोविड में वी हैव बीन वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम ऑल ऑफ अस हैव जिन्होंने इंस्पायर भी करना है वो एक घंटा क्लास लेंगे दो घंटा क्लास लेंगे फिर देन देर गो बैक टू नेटफ्लिक्स and they'd you know be watching movies and binge watching episodes to hum jitna time aajkal ke apne din mein se 4 se 5 ghante 5 se 6 ghante on average jo padhne likhne wala bachcha bhi wo 6 ghante agar tv ko de raha hai because he is under lockdown kahin ja nahi sakta to wo jo apne 4 ghante hain apne roz ke unko reduce karna hai with other you know media and you have to come back to studying a bit more और स्टडिंग में यू हैव टू मेक इट इनटू अ हैबिट ऑफ रीडिंग एंड गोइंग थ्रू सीएसएस मटेरियल फॉर एटलीस्ट 2 to 4 आवर्स अगर आप 2 से 4 घंटे 3 महीने तक लगा लेते हैं आई थिंक दिस इज इनफ प्रैक्टिस 3 महीने का मतलब है वी सिटिंग इन मई जून जुलाई अगस्त अगर आप जून जुलाई अगस्त 3 महीने 4 आवर्स प्रॉपर अपनी स्टडीज को दे देते हैं एंड इफ यू आर ऑफ एन एवरेज आई क्यू आपके रिजल्ट जो हैं 75% 80% थ्रू आउट योर स्कूल एंड योर एकेडेमिक बैकग्राउंड आते रहे हैं आई थिंक दिस इज इनफ फॉर यू टू क्वालिफाई द एग्जाम सो इसमें आपके पास जो पीपल आर आस्किंग मी क्वेश्चन लाइक स्ट्रैटेजी दिस इज वॉट आई एम गोइंग टू टेल यू यही चीजें हम डिस्कस करेंगे ट्राई नॉट टू मिस आउट माई पॉइंट्स लेकिन ऑल्सो मेरी हैबिट है कि मैं हमेशा जब बात करती हूँ तो आई विल गो बैक टू द सेम थिंग अगेन मेरी वॉइस सही नहीं आ रही वसीम किसी को आर वी हैविंग एन इंटरनेट ट्रबल हियर ओके कैन एवरीवन हियर मी अगेन प्लीज रेज योर हैंड्स इफ यू कैन हियर मी इफ यू कैन ऑल हियर मी प्लीज रेज योर हैंड्स वॉइस इज ओके दैट्स ग्रेट
आई एम गोइंग टू से इट अगेन, और मेरे ख्याल में ये रिकॉर्डेड लेक्चर है, यू कैन ऑलवेज रीविजिट इट. डोंट वरी इफ देयर इज अ बिट ऑफ डिस्टॉर्शन, यू कैन ऑलवेज कम बैक टू दिस सेम सेशन, सी इट. आई विल ट्राई एंड गो स्लो सो दैट यू नो यू कैन गेट द वर्ड्स आई एम सेइंग. सो डियर स्टूडेंट्स, बिफोर वी गेट इन टू द टेक्निकलिटीज, द स्ट्रैटेजी ऑफ करंट अफेयर्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने CSS का पूरा सिलेबस पढ़ा होता है. दे नो कि हम कहाँ से शुरू कर रहे हैं, कहाँ तक पहुँचेंगे, हर सब्जेक्ट का ओरिएंटेशन किस तरह का है. बट बिकॉज आई एम नाउ टीचिंग यू अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट करंट अफेयर्स, तो मुझे आपको इस पूरे सब्जेक्ट के एक सिलेबस ओवरव्यू से लेकर जाना है. इट इज गुड अगर आप इसके बाद सब्जेक्ट ओवरव्यू को देख लें, लेकिन वॉट आई डू इज आई पुट इट इन टू अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो आपके पास पहुँच जाएगी. सिलेबस इज नॉट दैट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, क्योंकि आप अब एक ऑफिसर बनने जा रहे हैं, यू हैव टू इम्प्रूव योर सेल्फ रीडिंग. अगली क्लास से पहले सारे लोग सब्जेक्ट पढ़कर आएंगे, सब्जेक्ट सिलेबस जो मैं अभी एक्सप्लेन करने लगी. इस सब्जेक्ट सिलेबस को जब आप पढ़ लेंगे, यू विल बी एबल टू नो कि सवाल किस तरह के योनरा से, किस तरह की पोर्शन से आते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आपका 20 नंबर का जो क्वेश्चन आता है, लेट्स से कि फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑलवेज अबाउट पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल. आपको पेस्ट कभी आपने इंटरमीडिएट में, मैट्रिक में सुना होगा, पढ़ा होगा. PEST. शुड आई राइट समवेयर डाउन वसीम? हाउ डू आई राइट इट डाउन समवेयर? आई वॉन्ट टू राइट इट डाउन ऑन स्क्रीन. आप भी अपने पास एक नोटबुक अगर आज लेकर बैठे हैं, प्लीज कीप अ नोटबुक, डू नॉट कीप लूज पेपर्स विद यू. एक छोटी डायरी ले लें, रजिस्टर ले लें, ट्राई एंड पुट समथिंग डाउन वेयर यू कैन जस्ट हैव दिस वन वर्ड रिटन, पेस्ट, PEST, पेस्ट. अब पेस्ट बहुत सारे लोग जानते हैं, वॉट इज इट? इट इज पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल. सो वी आई हैव द वर्ड डॉक्यूमेंट हियर. Screen, I'm sharing the screen with you. This one word is very important. What is it? It is political, economical, social, and technological. So I have the word document here. Screen, I'm sharing the screen with you. This one word is very important. I am going to talk about this one word for next 5-10 minutes, because this one word is going to orient your mind towards seeing things, observing things from a perspective. वो perspective क्या है? Pest. So pest is political, okay, so please pardon my typing, I'm not really good at it, but I'm going to try and improve myself over these sessions. Political, economic, social and technological. I keep these three things in mind whenever I'm discussing any random topic. This is a water bottle. Okay. Does any news regarding water come to your mind? It should. You know that water and water related crisis is a part of CSS examination. So when I'm looking at this water bottle, I know that one of my topics in CSS is water crisis. But what is water crisis? You have to now engage with any subject on a political level. You want to see what is the water politics. So when you look at the water politics, look at the local water politics, look at the district level water politics, look at the division level, then look at provinces, then look at countries. So when you go on to countries, you'd understand there is a certain problem with Pakistan and India. You'd understand that there's a certain problem with Kalabagh Dam in a certain province and all the provinces fighting in a, you know, in some tug of war. Then you look at division. Karachi does not have water, so there are Karachi people crying, we are going dry. Come to your district level. Ji, hamara to wallman jo hai, wo itna rishwat leta hai, wo pani nahi kholta, aur wo dusre ilake ko pani divert karta. So this is again political on district level. Then look at your own street. You would say सामने वालों का पानी बड़ा अच्छा आता है, उनको दो घंटे मिलता है, हमें एक घंटा मिलता है. So look at the political side of that. Economic.
you and I buy this bottle for water. This is not coming free. So economics is all related to anything being scarce, which is this water being really short. You do not have drinking water available or clean drinking water available. So see, this water is very scarce. You have to pay for it. So there's a money related to it. So you look at the topic in an economic light. Social. So when you give water or you make an RO plant free of cost for somebody, aapne apne ilake mein donation kiya aur RO plant bana diya ki gareeb log isme se pani bhar ke jayenge. So look at the social impact of that water distribution. And then technological. You know that water filters are coming in. You know that we are advancing our technology to clean water and bring drinking water to access, make people drinking water accessible to people. So this is pest. I said for 5 minutes I'm going to talk about pest. I picked up this bottle, which seems to be a current affair because I'm going to drink it, and I evaluated it with pest. So one word you're going to remember, which is also a part of your current affairs paper, is pest. Political, economic, social, and technological aspects of any topic which is going on, which is current. Your mother wakes up, tells you that there is a cyclone coming. That's news. How will it affect? God forbid, if we are hit by the disaster, what do you think will happen? Now, I want answers from you, please, because we're discussing the first part of the paper. Think pest wise. Let's say, God forbid, we are hit by this disaster. What do you think will happen? I want some answers. So each one of you should try and venture. Aap mujhe bataein ki agar abhi khuda na khasta ye storm jo hamare paas aa raha hai, cyclone, tokate, toktai bolke, agar wo hame hit karta hai to kya hoga? Aap politically soche, economically soche, social impact soche, technological impact soche. Sabse pehle to batti chali jayegi sabki. So Netflix to band ho jana hai. Wi-Fi bhi gaya. To phir aage aur kya hoga? Destruction, yes, human migration, very good. So Lal Chand is telling me destruction. Then Sagar is telling me destruction. Abdul Basit is telling me people having huge loss. Exactly. Acha. Bilkul, please keep coming in. Aapke jo bhi answers honge, main sabke saath discuss karungi. Annihilation, destruction. Acha, jab hum destruction ki baat kar rahe hain, to hum human, khuda na kare aisa ho, but God forbid, life loss is the most important loss. ठीक है, घर तो हम दोबारा कर लेंगे. So casualties, yes. अच्छा, जब casualties होगी या लोग जख्मी होंगे तो हम उन्हें कहाँ लेके जाएंगे? So if somebody, let's say, God forbid, कहीं building गिर जाती है, where do we take them? We take them to hospitals. Corona के साथ भी सबसे बड़ा मसला हमारे लिए आया कि yes, hospitals and medical services, yes. So see, each one of you has started thinking very nicely. So, okay, if there's casualties, there's people who are being killed, we will rush them to the hospitals. Hospitals mein phir kya hoga? What will happen in the hospitals? Koi mujhe achha sa jawab de. It will affect our fertile lands, absolutely. Agar ek tsunami wave aata hai, wo wipe off kar deta hai, toh there is no crop. There are no businesses, roads are locked, road lock ho jayenge, raste nahi milenge, transport nahi chalegi, mandiyon se sabzi nahi aayegi, doodh nahi aayega, hum sabke ghar mein chai nahi banegi, kisi ka chhota bachcha hoga, wo doodh nahi pee sakta. So this is a social impact. Economic activity bilkul khatam ho jayegi. COVID mein aap sabne dekha, dukane band, Gul Plaza sealed, Zainab sealed, kisi ne Eid ki shopping nahi ki. This is all current. Subject ko. Let me come back to the same first topic that we are discussing, ke social, political, economic and technological aspects of any news. Koi social news hai, koi technological news hai, koi political news hai, ya koi economic news hai, ye sari news hamare current affairs ke paper mein humne read karni hai, explore karni hai, observe karni hai.
रीड और एक्सप्लोर आप बाद में करेंगे, आप पहले ऑब्जर्व करेंगे. ऑब्जर्वेशन कैसे आती है? ऑब्जर्वेशन इज पेस्ट एनालिसिस को दिमाग में रखें, बैक ऑफ द माइंड हर चीज को पेस्ट के साथ देखें. अगर आप में से कोई लैपटॉप पे बैठा है और एवरीबडी इज स्टडिंग ऑन लैपटॉप और लेट्स से यू आर स्टडिंग इट ऑन योर मोबाइल, ये मोबाइल और लैपटॉप आपके हाथ में कैसे आया था? कैन एनीवन आंसर मी? यस, आई एम गेटिंग वेरी गुड आंसर्स बाय द वे. दिस इज अ वेरी एक्टिव क्लास, लेट मी टेल यू. आप सारे लोग बहुत समझदार और बहुत एक्टिव माइंड के प्रेजेंस वाले हैं, क्योंकि बिकॉज आई एम गेटिंग वेरी गुड आंसर्स. आई शेयर देम इन अ बिट. तो हाउ डिड यू गेट योर लैपटॉप एंड मोबाइल? इट्स अ सिंपल क्वेश्चन. आपके हाथ में जो मोबाइल या लैपटॉप है आपके पास कैसे आया था? विद मनी यू हैड टू पे. अच्छा, किसी को गिफ्ट मिला होगा, किसी को पेरेंट्स ने दिलाया होगा. ओके, यू गॉट इट. क्या ये पाकिस्तान में बना था लैपटॉप और ये फोन जो आपने लिया है? और इज इट एन इम्पोर्टेड गुड? नो, मोस्ट ऑफ आर कंप्यूटर्स एंड लैपटॉप्स एंड फोन्स आर इम्पोर्टेड. सो दे स्टार्टेड ऑफ हजारों मील कहीं पे ये असेंबल हुआ होगा, कहीं बना और फिर ये चलते ट्रेड रूट से होते हमारे पास पहुंच गया. सो एक लैपटॉप को आपके हाथ तक पहुंचाने के लिए डू यू थिंक उसके ऊपर कोई पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल इफेक्ट्स आए होंगे इसके पूरी साइकिल पे, सप्लाई चेन पे? यस, यस. सो वो क्या थे? फॉर एग्जाम्पल, अगर ये लैपटॉप अमेरिका से आया और अमेरिका और हमारे हालात खराब हो गए, हमारे आपस में वॉर शुरू हो गई या सैंक्शंस लग गए, डू यू थिंक ये लैपटॉप इधर तक आ जाता? क्या ये लैपटॉप हमारे पास इम्पोर्ट टैरिफ्स या हमारे पॉलिटिकल हालात एक दूसरे के साथ खराब होते, सो डू यू थिंक इट वुड हैव कम टू योर टेबल एंड यू वुड हैव बीन? नो. फिर ये स्मगलिंग के थ्रू या किसी इलीगल रास्ते के थ्रू आपके पास शायद पहुंचता, और पहुंच भी जाता तो पीटीए से ब्लॉक कर देती. पीटीए ने बहुत सारे मोबाइल फोन्स ब्लॉक किए हैं. डू यू नो दैट? आप में से कितने लोगों को पता है कि पीटीए ने आईफोन्स और बहुत सारे ऐसे फोन्स जो इलीगली आए थे वो ब्लॉक किए? यू नो अबाउट इट? यस. सो दिस इज द पॉलिटिकल एस्पेक्ट ऑफ योर लैपटॉप व्हिच इज राइट लाइंग राइट इन फ्रंट ऑफ यू, योर फोन दैट यू आर होल्डिंग. इसके ऊपर पॉलिटिकल गेम कौन सी है? ये वो गेम है जो कंट्रीज की आपस में एक दूसरे के साथ ट्रेड के ऊपर, टैरिफ्स के ऊपर, सैंक्शंस के ऊपर, इंटरनेशनल लॉ के ऊपर जो है वो हम एक्सरसाइज करते हैं. इस लैपटॉप का पॉलिटिकल फ्रंट आपकी सारी कंट्रीज की आपस में रिलेशंस है. इकोनॉमिक फ्रंट कोई मुझे बता सकता है क्या होगा? फ्यूचर सुपर पावर विल बी चाइना, प्रोडक्ट वैल्यू डिक्रीज, इज दिस समथिंग दिस इज समथिंग ग्लोबलाइजेशन? एब्सोल्यूटली. ये आपके पास जो आइडियाज पॉलिटिकली इस लैपटॉप को और मोबाइल को लेके क्लिक करें, ये बिल्कुल एब्सोल्यूटली ट्रू है. और यही आइडियाज को आपने आगे अपने एनालिसिस के लिए और अपने करंट अफेयर्स के आंसर्स को अटेम्प्ट करने के लिए अपने दिमाग में दोहराते रहना है, बिकॉज इट्स लाइक यू नो फ्यूल टू योर थॉट जो आपने उस पेपर में, जिस दिन आप पेपर दे रहे होंगे, लिखना है. सो लेट्स कम बैक. इसी लैपटॉप और मोबाइल के एग्जाम्पल लेते हुए इकोनॉमिक कुछ एस्पेक्ट्स मुझे बताएं कि इकोनॉमिक कौन से एस्पेक्ट्स हैं जो हम करंट अफेयर्स के पेपर में बता सकते हैं कि ये लैपटॉप जब हमने खरीदा तो ये कितने का था, और अगर हम इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं तो कौन सी करेंसी में करता है? जी मुझे इसका जवाब दें. डॉलर. यस, एब्सोल्यूटली. Why are we trading in dollar? Why do not we trade in Pakistani rupee? या gold में हम trade क्यों नहीं करते? और जब पुराने जमानों में चले जाए barter system? Exactly. Dollar या dollar की जो पूरी economy है, आपको पता है कि dollar international market में ऊपर नीचे जाएगा, हमारा दूध भी महंगा हो जाता है. जी आप सोचें कि दूध के ऊपर उसका effect क्यों आता है? तो बोलेंगे जी मैडम तेल आता है, फिर तेल गाड़ियों में जाता है, फिर वो गाड़ी दूध लेकर आती है फ्रांस से, तो जब गाड़ी वाले ने ट्रांसपोर्ट बढ़ा दी तो हम दूध के पैसे बढ़ा दिए. सो यस, योर वैल्यू एडेड टैक्स somebody is writing. Exactly. Now all these are economic aspects of the laptop and the phone we're talking about.
तो हमने देखा कि किसी भी चीज को जब आप उठा लेंगे, आप उसे पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली और टेक्नोलॉजिकली ऑब्जर्व करने लगेंगे तो जी आपका करंट अफेयर्स का पेपर बड़े आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि थॉट प्रोसेस है, थॉट प्रोसेस बन गया है, अब यू जस्ट नीड फैक्ट्स। तो जब मैं आगे आपको करंट अफेयर्स के पेपर को डॉन या न्यूज़पेपर रीडिंग के साथ कनेक्ट करूंगी तो आपको समझ आ जाएगा एग्जैक्टली कि मैंने एक आंसर को शुरू करना है अपने बेस्ट एनालिसिस से, उसमें मैंने कुछ सोर्सेज ऐड करने हैं। कौन से सोर्सेज ऐड करने हैं? वही जो ऑथेंटिक हैं। हमेशा याद रखिए, और आने वाले दौर में, बिकॉज नाउ वी आर प्रिपेयरिंग फॉर CSS एंड आई एक्सपेक्ट ईच वन ऑफ यू टू कैरी योर स्टडीज लाइक इन अ वेरी डिग्निफाइड मैनर। वो डिग्निफाइड मैनर ये है कि कभी भी कोई भी कच्ची बात नहीं करनी, बात करनी है हमेशा एविडेंस और सोर्स के साथ। व्हाट इज द एविडेंस एंड सोर्स वी आर टॉकिंग अबाउट? अगर मैं ये कहती हूँ कि इंडिया और पाकिस्तान के हालात सो एंड सो फ्रंट पे हैं, तो ये बात तो गली के नुक्कड़ पे बैठे चार अंकल चाय की चुस्कियां लगाते हुए भी कर रहे होते हैं। अब उनमें से ऑथेंटिक कौन सा है? आई एम गोइंग टू आल्सो ट्राई एंड टेक माय टी व्हाइल आई एम टेकिंग क्लास, सो प्लीज यू नो बेयर विद मी, आई हैव नॉट हैड माय ब्रेकफास्ट। सो वसीम इज सो स्वीट, ही इज ब्रिंगिंग मी केक, बट आई एम नॉट गोइंग टू हैव केक बिकॉज़ फिर मेरा मेकअप खराब हो जाएगा। थैंक यू सो मच। ओके, सो someday when we are together I'll offer you cake and biscuits, but for now aaj aap log thodi mehnat kare, because mera sawal ye tha ki chai ki chuskiyan lagate hue jo char uncle aapas mein baatein kar rahe hote hain, do you think that is a credible source or not? Iska mujhe yes and no jawab de, fir hum aage badhte hain. Kisi ne likha Wikipedia is a reliable source or not? Absolutely not. Should I say that again? Absolutely not. Not. Do not quote Wikipedia ever. देखिए Wikipedia जो है, जैसे मैंने अभी आपको पेस्ट से ओरिएंट किया, किसी भी टॉपिक का कच्चा पक्का बैकग्राउंड, लेट्स से कि अम्मा से पूछा नानी कैसी थी या नानी की अम्मी कैसी थी, सो वो अपनी मेमोरी से आपको थोड़ा बताएंगी, जी वो तो बहुत ही अच्छी थी, इतना अच्छा ड्रेस करती थी, इतनी अच्छी खीर बनाती थी, बट यू हैव नॉट ईटन द खीर, हाउ डू यू नो कि वो अच्छी थी? यू आर हियरिंग इट फ्रॉम अ बायस्ड सोर्स। आपकी मदर वो हिस्टोरियन है जो बादशाह की तारीफ लिखेगी, तो हिस्ट्री डिस्टॉर्ट हो जाएगी, तो वो कभी भी आपको ननियाल के खिलाफ नहीं करेंगी। सो अब आपने विकिपीडिया में जो लोग लिख रहे हैं वो आपको अपनी कच्ची पक्की सी न्यूज जो है एक लिखते चले जा रहे हैं, देयर इज नो चेक एंड बैलेंस ऑफ इट। सो आप उसे रिलायबल और ऑथेंटिक नहीं मानेंगे अनटिल एंड अनलेस यू काउंटर चेक। काउंटर चेक कोई मुश्किल बात नहीं है। आप में से बहुत सारे लोग गंजी स्वैग जुनेद अकरम को देखते होंगे। नाउ आई एम अ फैन टू बिकॉज आई हैव मेट जुनेद भाई, ही इज वंडरफुल। अब वो कभी कभी आपसे एक बात करते हैं, वो कहते हैं कि फोन आपके हाथ में होता है, कोई बात आती है तो व्हाई डोंट यू गूगल इट। अच्छा, व्हेन यू गूगल इट उसके 1000 से ज्यादा आपको वो मिल जाते हैं, लिंक्स मिल जाते हैं, बट यू कैन नॉट यू नो सी एवरी लिंक। तो आप उसमें ऑथेंटिक लिंक्स निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप उसमें डॉन, क्योंकि हमारा एक लोकल अखबार है, डॉन में कोई चीज़ छपी अगर तो वो खराब न्यूज़ है और अगर वो गलत न्यूज़ है तो उसका आपको क्रिटिसिज्म मिल जाएगा। फिर वो आपको पता है कि न्यूज़पेपर्स जो है वो फिर अपोलॉजी प्रिंट करते हैं कोई गलत खबर अगर दे देते हैं। सो लेट्स से कि हमारे पास अगर मीडिया इतना ऑथेंटिक नहीं है, यू रीड द इकोनॉमिस्ट, आप कोई इंटरनेशनल एक्नॉलेज्ड पेपर पढ़ लें और आपको उसमें ऑथेंटिकेट खुद नहीं करना, आप मेंशन करें मैंने ये फलां से पढ़ा। फॉर एग्जांपल आई से आई वंस रेड इन द इकोनॉमिस्ट दैट डिजिटल करेंसी ऑफ गवर्नमेंट्स इज बीइंग लॉन्च्ड। अब ये मैं खुद तो नहीं कह रही, मैं कह रही हूँ कि इकोनॉमिस्ट ने एक दफा एक खबर लगाई इन द मंथ ऑफ मे कि गवर्नमेंट्स भी क्रिप्टो करेंसी में जा रहे हैं। डिड आई से इट? नो, आई डिड नॉट से इट।
I've quoted that the Economist has said it. So I'm not saying it. Please do not think I'm telling you this story because ये मेरी नानी अम्मा की कहानी नहीं है, वो skewed होगी. ये Economist कह रहा है. और Economist के फला फला दिन में अगर आप सर्च करेंगे या गूगल पे भी देखेंगे what does Economist say about cryptocurrency being used by governments, वो आपके पास लिंक खुल कर आ जाएगा. So you understand कि हम किसी भी चीज़ को authenticate कैसे करेंगे? Please say yes. अगर आपको नहीं समझ आया मैं रिपीट करूंगी. हाँ जी, किसी ने लिखा है कि शुड बी साइट समबडी जिसने रिसर्च की हो. बिल्कुल, आप किसी रिसर्च को साइट कर सकते हैं, आप इसमें किसी ऐसी चीज को साइट कर सकते हैं जहाँ आपने कोई न्यूज़पेपर पढ़ा या कोई वर्ल्ड रैंकिंग पढ़ी. लेट्स से कि आपने कोई यूएनओ की रैंकिंग पढ़ी. सो ऑल दैट इज एन ऑथेंटिक सोर्स. और आपका पेपर इंशाल्लाह टुवर्ड्स द एंड तो चोर रास्ते भी बता दूंगी कि कैसे आपने जो है अपने पेपर को यू हैव टू मेक इट लुक एक्सप्रेस यू नो वेरी इम्प्रेसिव. बट अभी नहीं, अभी वी हैव टू वर्क हार्ड बिकॉज वी जस्ट इन द वेरी बिगनिंग. अभी वो चीज़ें नहीं करनी है जो बिल्कुल पेपर के क्रैश टाइम पे करनी होती है. सो फॉर नाउ हम जो बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हमारे पास पेस्ट एनालिसिस जब आ गया और उसके बाद हमारे पास कुछ ऑथेंटिक सोर्सेज आ गए, तो हमने अपने पास सिलेबस में पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक फ्रंट्स के ऊपर सोचना शुरू कर दिया, ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया. एंड इवेंचुअली वसीम, कैन यू जस्ट ब्रिंग द चार्ट टू द वेरी एंड बिकॉज इट्स नॉट हैपनिंग टू मी. सो अब हमारे पास क्या सिचुएशन आ गई है कि पेस्ट हमने अंडरस्टैंडिंग बना ली. अब हमने देखना शुरू किया कि इर्द गिर्द एक्चुअली हो क्या रहा है. सबको पास्ट पेपर्स देखना आता है, इसलिए आता है कि मैट्रिक से जो हम शुरू होते हैं पास्ट पेपर्स की तैयारी, और पास्ट पेपर्स से ही हमने टॉप कर लेना है और पास्ट पेपर्स से हमने पास हो जाना है. तो सीएसएस के भी पास्ट पेपर्स होते हैं एंड यू ऑलवेज कैन विजिट देम, सी देम. आप पास्ट पेपर्स में से टॉपिक्स निकाल लें. आप पास पेपर्स में से टॉपिक्स इसलिए निकालेंगे क्योंकि टॉपिक वही आपको एग्जाम वाले दिन तक याद रहेगा जिसमें आपका इंटरेस्ट होगा और जो आप ऑब्जर्व करते होंगे. पास पेपर्स अगली क्लास से पहले सबने देख कर आने हैं. हम 2 साल के जो पास पेपर्स हैं वो उनको देखेंगे. हम ज़्यादा पीछे नहीं जाएंगे. करंट अफेयर्स के पेपर में बहुत ज़्यादा पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है. किस किस ने अब तक पास पेपर्स देखा है, प्लीज रेज योर हैंड्स. करंट अफेयर्स का पास पेपर इस क्लास में आने से पहले किसने देखा है, जरा हाथ उठाएं. लेट्स रेज योर हैंड्स सो दैट आई कैन सी. ओके, how do I pause, share and go to this window here? I just want the online class window bigger. check for image. हाँ, ये मतलब इसी चीज़ को the online class just open रहा था. let the world go down. okay. how do I know how many students have raised hands? Okay, so yeah, I can see that now. Okay, so we have a lot of students who are raising hands. मतलब आप लोगों ने पास पेपर को देखा है. 2 साल के पास पेपर्स को पहले हम देखेंगे. मैक्सिमम हम 2 और देख लेंगे. वी डोंट नीड दैट मच. आप सब ने बिफोर वी डू द नेक्स्ट क्लास यू आर गोइंग टू राइट डाउन 5 topics ऑफ करंट अफेयर्स दैट यू वॉन्ट टू एक्सप्लोर. Now I'm saying the word explore. जब आप observe करेंगे तो सारे topics आप whether you like them or not they're around you. आप observe करेंगे, आपको पता चलता रहेगा ये भी issue है. You would know Facebook पे आप जाएंगे, Palestine, Israel का कोई issue चल रहा है. You would know
कि इंडिया पाकिस्तान का कोई इशू चल रहा है. यू वुड नो कोरोना इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम, वो पूरी दुनिया में उसका एक इशू चल रहा है. यू वुड नो वैक्सीनेशन चल रही है तो उसके अंदर कहाँ तक हम पहुँचे हैं. यू वुड नो पेस्ट एंड स्वॉट एनालिसिस बोथ आर क्वाइट हेल्पफुल वाइल अंडरस्टैंडिंग एनी टॉपिक. दैट इज शकीब अली. That's exactly SWOT. देखिए SWOT is strength, weakness and your opportunity threat. SWOT जो है वो हम ज़्यादा मैनेजमेंट के हवाले से यूज़ करते हैं. जब आप करंट अफेयर्स के पेपर की बात कर रहे हैं और जब आप CSS अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, गवर्नमेंट को वो लोग अपने साथ काम करने में या पॉलिसी बनाने में चाहिए जो चीज़ों को अंडरस्टैंड करके उसका एक एनालिसिस बना के आपको किसी डिसीजन तक लेके जाए. फॉर एग्जांपल, आप में से कितने लोगों का कभी इंटरेक्शन हुआ है जुडिशरी के साथ? रेज योर हैंड्स. आई वांट टू सी हाउ मेनी पीपल हैव सीन कि केस, जज, वकील, ये सब चीज़ें कैसे होती है. डू यू नो अ लिटिल आइडिया कि ये कैसे मामला चलते हैं? एक केस होता है, फिर वो जज के पास जाता है, फिर वकील आते हैं, फिर वो केस में केस लड़ता है कोई, फिर उसमें फैसला होता है. हाउ मेनी ऑफ यू हैव अ लिटिल इंटरेक्शन विद इट? ओके, अब मैं इसमें आपको थोड़ा सा बताती हूँ कि होता क्या है. जब भी कोई आपकी कॉन्फ्लिक्ट आई, आप दो पड़ोसी हैं, आपस में एक दूसरे ने क्या किया कि एक लॉन के ऊपर आगे अपने घर के लॉन बना लिया, लॉन बना लिया तो दूसरे बंदे की जो है वो गाड़ी नहीं जा रही वहां से, उसने एक केस कर दिया. ओ, देयर इज अ लॉ स्टूडेंट विद अस आल्सो, अ फ्यू ऑफ यू माइट बी फ्रॉम जुडिशरी एंड दे वुड अग्री टू मी बिकॉज आई एम गोना से वेरी जेनेरिक सेंटेंस. में बहुत जनरल और एक बिल्कुल ब्रीफ सी बात कर रही हूँ. आपकी दो लोगों की कॉन्फ्लिक्ट हुई, आपने केस लगा दिया कोर्ट के अंदर. जब आप कोर्ट में चले गए तो एक जज साहब होंगे, एक आपका वकील होगा, एक दूसरे साइड का वकील होगा. वॉट डू यू थिंक लॉयर्स डू? लॉयर्स क्या करते हैं, कोई मुझे बताएगा? व्हाट डू लॉयर्स डू? एंड अब्दुल्ला, बिकॉज यू आर अ लॉ स्टूडेंट, व्हाट डू लॉयर्स डू? दे आर्ग्यू. यस, बट डू दे आर्ग्यू कि जी ये अच्छा नहीं है और ये अच्छा है? देखिए, हम तो ये जो है वो इतना अच्छा एनवायरनमेंट को कर रहे हैं, हम तो पौधे लगा रहे हैं, देखिए यहाँ से ग्रीन हाउस इफेक्ट खत्म हो जाएगा, ये छोटे से दो ढाई फुट का जो हमने क्यारी लगाई है ये तो दुनिया को ऑक्सीजन देगी. डू दे आर्ग्यू लाइक दैट? दे आर्ग्यू अकॉर्डिंग टू लॉ. एक्सेलेंट. व्हेन यू आर्ग्यू अकॉर्डिंग टू लॉ, वन लॉयर डज दैट एंड द अदर लॉयर ऑल्सो मेक्स अ रेफरेंस ऑफ लॉ. व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू विद द जज? यू आर ट्राइंग to display to the judge ke ye law is at work and this law is at work and according to this law ye cheez sahi ya galat hai. To jo aapka judge hai wo faisla nahi deta, faisla aapke lawyers direct karte hain. Ye baat aap logo ko samajh aa rahi hai? Judge faisla nahi deta. Aapne dekha hai ki kanoon ki aankhon pe patti bandhi hoti hai, because the judge is always going to give his order and his decision according to the laws and the relevant law that is in exercise while you are arguing that case. For example, wo banda kahe ki mera right of way, matlab mera rasta jo hai iski is kyari banane ki wajah se खत्म हो गया है, मैं अपने घर नहीं जा सकता बिकॉज इसने ये गार्डन बना दिया है, देर इज नो वे, माई राइट ऑफ वे हैज बीन डिस्टर्ब्ड. तो राइट ऑफ वे इज इन लॉ अ ह्यूमन राइट, अ वेरी फंडामेंटल राइट फॉर एनीबडी, क्योंकि वो उसका एक राइट है कि उसको अपने घर तक एक्सेस मिले और ऑल ऑफ अ सडन कोई भी रास्ते में दुकान नहीं लगा सकता. आप देखते हैं कि इनक्रोचमेंट हटाई जाती है. इसी तरह से हम किसी भी स्टेट लैंड पे कोई कब्जा करके बकरा मंडी लगा लेता है तो हम कहते हैं कि आई दिस इज नॉट योर प्रॉपर्टी, यू कैन नॉट डू दैट. लोगों का राइट ऑफ वे या राइट, अगर आपकी एरिया में ट्रैफिक जैम होना शुरू हो जाए, एक बकरा मंडी लग जाए और आपका रास्ता ब्लॉक हो जाए, तो डू यू थिंक कि कोई लॉ है जो आपको राइट ऑफ वे दिलाएगा? आपको क्या लगता है? जनरली हम सोसाइटी में रहते हैं, अगर आपके इलाके में
मंडी लग जाए और वहां ट्रैफिक ब्लॉक हो जाए और आप अपने घर में 2 मिनट के रास्ते में 1 घंटे में नहीं पहुंचते, डू यू थिंक कोई कानून ऐसा है जो आपको रास्ता दिला दे? यस, देयर इज एब्सोल्युटली लॉ व्हिच इज गोइंग टू हेल्प यू गेट द राइट ऑफ वे. सो राइट ऑफ वे आपका जो जो डिसीजन कोर्ट देगा वो कैसे देगा, क्योंकि लॉयर्स उसको डायरेक्ट करेंगे. आपका जो पेस्ट एनालिसिस या स्वॉट एनालिसिस है वो आपको डिवेलप करेगा, आपकी माइंड को डिवेलप करेगा टू राइट एन आंसर इन द पेपर ऑफ करंट अफेयर्स विच विल बी ऑन एन एनालिटिकल स्केल. कि एग्जामिनर देख के बोलेगा क्योंकि दिस इज अ काइंड ऑफ पर्सन जो समझता है, एनालिसिस करता है, इसे पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स पता है इस टॉपिक के, इसको करंट न्यूज भी पता है, इसने ऑथेंटिक रिसोर्सेज को भी कोट किया है, इसने रिसर्च भी पढ़ी है, एंड नाउ ही इज गिविंग मी अ कंप्लीट आंसर ऑफ लेट्स से 20 मार्क्स और 40 मार्क्स, एंड नाउ आई हैव टू नाउ मार्क हिम ताकि ये इस पेपर में क्वालिफाई करे. सो ईच वन ऑफ यू हू सिटिंग इन दिस क्लास, आज आपकी What is the need that is bringing you to this class? आपकी क्या जरूरत है ऐसी जो आप इस क्लास में बैठे हैं? वो आपकी जरूरत है करंट अफेयर्स के पेपर को समझना और उसे पास करना. और उसे समझने और पास करने के लिए पेस्ट एनालिसिस, स्वॉट टू अ लाइटर डिग्री. स्वॉट इज अगेन मैं आपको बता रही हूँ स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट. ये आप तब करते हैं, आप इसको अपनी सेल्फ असेसमेंट में रखें. किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आप इनडायरेक्टली उसको टॉपिक को उसमें कर सकते हैं. स्वॉट में आपको थोड़ी देर में बताऊंगी सागर, वेट फॉर स्वॉट. स्वॉट इज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट राइट नाउ. आपके सिलेबस का पहला पार्ट इज पेस्ट एनालिसिस, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल टॉपिक्स. पेस्ट को ध्यान में रखें, ऑब्जर्व करें और इस तरीके से आप अपने करंट अफेयर्स के पेपर को आगे बढ़ा सकेंगे, रीडिंग कर सकेंगे, बाकी चीजें कर सकेंगे. आज मुझे लगता है कि वी गोइंग टू गो अ बिट लॉन्गर देन 1 आवर बिकॉज सिलेबस तो हमारा नहीं कवर होगा इसमें. सो मे बी वी डू 10-15 मिनट्स टुमारो टू कवर द सिलेबस. और आज जितनी हमने बात की है मैडम, फॉर बिगनर्स फ्रॉम स्क्रैच योर सोर्स इज बेस्ट. विच सोर्स इज बेस्ट? डॉन पढ़ लें सबसे पहले सारे और डॉन को कोट करना भी सीखें. बिकॉज आपका जो रिमेम्बर वन थिंग, I am not going to teach you to go through a lot of things. आपको सब कुछ और बहुत सारा कुछ नहीं करना. जरा थोड़ा सा सोच के आप लोग मुझे बताएं. सारे लोग समझदार हैं, एक प्रोफेशनल पेपर पे बैठने वाले हैं, एक अदद आपका एग्जामिनर होगा जो आपका पेपर चेक करेगा, probably ओल्ड एज गाय, लेकिन रहता तो जाहिर है पाकिस्तान में ही होगा. कोई फॉरेनर्स तो हमारे पेपर नहीं चेक करते, यहाँ हमारे पेपर स्कॉटलैंड या यूके जाते हैं चेक होने. एब्सोल्युटली नॉट. सो द पर्सन हु इज चेकिंग योर पेपर, व्हाट न्यूज़पेपर्स डू यू थिंक ही रीड्स? सोच के बताएं. गिव मी अ वेरी रियलिस्टिक आंसर, थिंक अबाउट इट. उसके घर में कौन सा पेपर आता होगा और वो कौन सा पेपर पढ़ता होगा? Yeah, so all of you are writing Dawn and Jung, Dawn, Dawn. So absolutely, जिस बंदे ने पेपर सेट करना है, जो करंट अफेयर्स का पेपर चेक करेगा, आपको सवाल देगा, उसके आंसर की बनाएगा, वो कहाँ पढ़, क्या चीज पढ़ रहा है? डॉन पढ़ रहा है. द न्यूज, आप पढ़ते हैं द न्यूज? कोई पढ़ता है द न्यूज, द नेशन? चलो जंग, क्योंकि उर्दू का सबसे ज्यादा फेमस अखबार है तो जंग लोग पढ़ते हैं. Obviously, I do not even know any other paper than Dawn because local. I meant local. I know only Dawn because Dawn is the most authentic. हाँ, Express Tribune भी कभी कभी लोग पढ़ते हैं. Express Tribune की बहुत सारी news share होती है Facebook पे. But do you think, for example, channels में Bol भी एक news दे रहा होता है? Bol कहता है gold 90,000 का हो गया. किसी ने खरीदा है 90,000 का तोला gold? हाँ. आजकल में बिकॉज आई सॉ न्यूज ऑन बोल टीवी इन रमजान, बोल वॉज सेइंग दैट गोल्ड इज 92,000 रुपीज, बट वॉज इट सोल्ड एनीवेयर इन द मार्केट ऑन 90,000 पर तोला? यस नो? कोई थोड़ा सा भी
नो एब्सोल्युटली नॉट. तो गोल आपको बता रहा होता है कोई चीज और दूसरे चैनल्स कुछ बता रहे होते हैं. सो यू सी दिस इज वेयर डिसीजन इज विद यू. सर तारिक सेड फॉर सीएसएस डॉन इज नॉट गुड. मैडम प्लीज एक्सप्लेन. देखिए दिस इज समथिंग दैट सर तारिक वुड एक्सप्लेन. यू हैव टू गो बैक टू हिम एंड आस्क हिम कि सर आपने कहा था डॉन इज नॉट गुड फॉर पेपर, तो आपने ऐसा क्यों कहा. तो आप देखिए फॉर सीएसएस ऑलवेज रिमेंबर जो चीज मैं भी कह रही हूँ सर तारिक कह रहे हैं, हम किस एस्पेक्ट से कह रहे हैं, हम कहाँ से उस थॉट प्रोसेस पे आ रहे हैं. यू हैव टू क्वेश्चन अगर आपको समझ नहीं आता. एंड रेस्ट ऑफ ऑल प्लीज टेक एवरीथिंग विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट. जो चीज मैं भी कह रही हूँ पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ मतलब है कि उस पे उसको मानना है, लेकिन वो कुरान और सुन्नत नहीं है. जो हमने कह दिया है वो कुरान और सुन्नत नहीं है. प्लीज कीप योर माइंड्स ओपन. अगर मैंने कोई बात आपसे कही है और मैं कह रही हूँ कि ये ठीक है या नहीं है, तो आपने उसको खुद भी अपने माइंड से असेस करना है. मैंने आपको कहा विकिपीडिया इज नॉट गुड, एब्सोल्युटली नॉट गुड, नॉट गुड एट ऑल. टू कोट माई एस्पेक्ट ऑफ टेलिंग यू दैट इज टू कोट. कहा आपने लिख दिया विकिपीडिया मेरा सोर्स है और ये चीज मैंने वहां से पढ़ी है, आई विल गिव यू जीरो. So I'm saying that Wikipedia is not good to be quoted, it is not authentic. But also I said additionally कि Wikipedia आपको कच्ची पक्की स्टोरी दे देता है. So आप जब सोच रहे हैं कि कोई कॉन्फ्लिक्ट कहाँ से राइज की, आप उसको थोड़ा सा एक ओवरव्यू पढ़ना चाहते हैं कि ये है क्या, तो हम वहाँ से पढ़ सकते हैं. सादी इंग्लिश लिखी होती है उसमें, सादी अंग्रेजी है, आप पढ़ लो. फिर देन गो टू मोर ऑथेंटिक रिसोर्सेस. या सो सर ने अगर कहा कि डॉन इज नॉट द बेस्ट पेपर, या किसी ने कहा डॉन आप ना देखें या डॉन नहीं इतना मजेदार, तो आपने उससे पूछ लेना, आपने मुझसे पूछ लेना, आप दो चार लोगों से और पूछ लें. बिकॉज नाउ यू हैव अ पैनल ऑफ वेरी गुड टीचर्स कमिंग इन. सी एस एस के बहुत बेहतरीन टीचर्स एंड ऑफिसर्स आर कमिंग इन, दे विल बी टीचिंग यू. सो आप उनसे पूछ सकते हैं और आप और यू कैन ऑलवेज गो बैक टू reading a certain newspaper. So अब मुझे एक जवाब तो सबने दिया कि डॉन जो है वो पढ़ता होगा एग्जामिनर. एक जवाब मैं भी आपको बताती हूँ. इकोनॉमिस्ट का जो पेपर है इट इज ऑल्सो वेरी गुड. मोस्ट ऑफ आर एग्जामिनर्स रीड दैट. द इकोनॉमिस्ट का सब्सक्रिप्शन ले लो. ठीक है, शुड आई रिपीट दैट? द इकोनॉमिस्ट का आप ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन ले लें. द इकोनॉमिस्ट एंड डॉन आर टू ऑथेंटिक पेपर्स. ऑथेंटिक टू द एक्सटेंट, आपको मैं एक बात बताऊं, जब भी कभी न्यूज आप पढ़ते हैं तो न्यूज में लिखा होता है एलिजिडली. सो एलिजिडली का गूगल करके मीनिंग ढूंढ लें, मैं नहीं बताऊंगा. Because I'm not here to teach you English. I can very well do that, but I want you to also pick words here and there and make it into a habit of looking them up. So look the word up allegedly. In the next class, I'm going to tell you why allegedly is also a way of saying current news. Because jab tak wo इलेक्शन का फैसला नहीं आया होता तो गैर हतमी गैर सरकारी फैसला जो है वो आपको पता चलता रहता है. तो गैर हतमी गैर सरकारी जो है वो क्या है और हम उसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं टू योर एडवांटेज. यू कैन यूज इट टू योर एडवांटेज बट प्लीज डोंट बी फ्रिवलस विद दैट. मतलब बहुत ज्यादा भी जज्बात में बह के हर जगह एलिजिडली करके नहीं चीजें रखनी. Madam, how can we analyze what is important and what is left while regarding the newspaper? Well, Shukeb, I will tell you this. Next class mein main aapko skimming aur how to pick the right relevant topic ki bataungi. Kuch cheeze hum next class ke liye bhi chhodenge taki aap log present ho and you take interest and you can drive your knowledge out of that. आज जो मैंने आपको चीज़ सिखाई है वो इतनी इम्पॉर्टेंट है कि वो हर क्लास में हम यूज़ करेंगे. जो सवाल आपने किया है उस सवाल की मैं थोड़ी तमहीद आपको बांध देती हूँ. वो इस तरह से है कि आप सबके पास लैपटॉप्स भी हैं और आपके पास फ़ोन्स भी हैं और
आपको पता है कि पैलेस्टाइन का भी इशू चल रहा है, हमारे भी ट्रेड के मसले चल रहे हैं, कोरोना वायरस चल रहा है, कुछ इकोनॉमिक इश्यूज चल रहे हैं, कुछ सोशल चल रहे हैं। और क्योंकि अब इतनी बेतहाशा वेबसाइट्स है, अगर आप ट्विटर पे हैं तो आप फेसबुक पे भी हैं, और अगर आप फेसबुक पे हैं तो आप इंस्टाग्राम पे भी हैं, और अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो आप स्नैपचैट पे भी हैं। सो ये स्नो स्टॉर्म ऑफ डेटा, एक वर्ड होता है स्नो स्टॉर्म ऑफ डेटा। इस क्लास को शुरू करने से पहले मेरे साथ यहाँ कॉलीग्स बैठे थे और हम यही बात कर रहे थे कि जो स्नो स्टॉर्म ऑफ डेटा होता है कि इतना कुछ, इतनी न्यूज़ चल रही है, इतने सोर्सेस से न्यूज़ आ रही है, लोग फॉलो कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ साल पहले माय फूफो शी सॉ दिस मूवी 2012, तो उस वक्त 2012 नहीं आया था, वो था 2010 और 11। तो वो मुझे, शी केम अप टू मी एंड शी सेड 2012 में दुनिया ख़त्म हो जाएगी। ओके, आपको किसने बताया कि दुनिया खत्म हो जाएगी 2012 में? हम 2021 में बैठे, तो उन्होंने कहा 2012 में दुनिया खत्म हो जाएगी। ओके, ऐसे ओके ठीक है। तो उन्होंने कहा कि वो एक फिल्म आई है और बहुत धूम मची और लोग न्यूज, और अगर आप लोग थोड़ा सा 2011 में जाकर उस मूवी को रिविजिट करें, उस मूवी की मार्केटिंग में, उसके बाद कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज एंड बुक्स एंड वॉट नॉट, उन्होंने ऐसी ही हवा बना दी थी कि दुनिया खत्म हो गई। बट इतने ड्रामेटिकली लिमोजीन में आप चलते हुए वो मूवी अगर आपने देखी है, दुनिया खत्म हो रही है और आप जहाज उड़ा उड़ा के चाइना पहुंच गए और वहां पहुंच गए और पता नहीं कहाँ कहाँ। सो द वर्ल्ड डिड नॉट एक्चुअली एंड। अगर आज मैं आपसे कहूं कि जी कोरोना वायरस की वजह से क्या होगा, कि माय हस्बैंड इज ऑलवेज ऑफ द व्यू के वो आपको पढ़ा भी रहे हैं, ही इज ऑलवेज लाइक के बाय द सिक्स्थ वेव, मुझे लगता है कोरोना वायरस की छठी वेव चल रही होगी और ज़ॉम्बीज आ जाएंगे। तो हु कैन ऑथेंटिकेट के ज़ॉम्बीज आ रहे हैं? आप में से कोई बता सकता है? आप लोग सारे साइंस फिक्शन देखते हैं मुझे पता है, बहुत नेटफ्लिक्स आप लोगों ने देखा है। तो फिर ज़ॉम्बीज आ रहे हैं, मेरे पास वो वेपन भी नहीं है, आई एम नॉट गोना सर्वाइव दिस। आप में से शायद कोई अच्छे गेमर्स हैं पबजी वाले, वो सर्वाइव कर जाएंगे, हम तो गए बस। 5 minutes to the class, बस जल्दी जल्दी आंसर दें, मुझे बताएं कि zombies आ रहे हैं। So, देखिए आज के वर्ल्ड में स्नो स्टॉर्म ऑफ डेटा, अगर कोई एक यूट्यूब पे वीडियो बना देता है और इस तरह की मतलब persuasive वीडियो बनाता है कि zombies are coming, you and me would think कि zombies आ रहे हैं, और a simple woman who's in the home would think कि zombies आ रहे हैं। आज इस क्लास के बाद जितने भी aspirants इस क्लास में मौजूद हैं, एक चीज आप समझ लें, आपकी नॉलेज और बात करने में और एक लेमैन की नॉलेज और बात करने में देयर हैज टू बी अ ह्यूज डिफरेंस। जब बहुत ह्यूज डिफरेंस होगा तभी आप सिविल सुपीरियर सर्विसेज का पार्ट बनेंगे। एक आम खातून और एक पढ़े लिखे सीएसपी ऑफिसर में, एक नॉर्मल लेट्स से बैंक के एम्प्लॉय जिसने व्हाट्सएप पे कोई वीडियो देखी, एंड यू नो वो बंदा जो है जो सीएसएस में अपेयर हो रहा है, उसके बात करने में, एक लेमैन के बात करने में इंटायरली बहुत डिफरेंस होगा, होना चाहिए। सोर्स के साथ बात करें, एविडेंस के साथ बात करें, कैलकुलेटेड बात करें, कैलकुलेटेड बात लिखें। लिखने में क्लैरिटी जो आपकी है वो हम डेवलप करेंगे आने वाले टाइम में, वील बी डूइंग अ लॉट ऑफ राइटिंग एक्टिविटीज। ज़रूरी नहीं है जो आप कहना चाहते हैं वो आप बहुत सही तरीके से लिख दें कि मैं ये कहना चाहता हूँ, लिखेंगे आप कुछ और बोलेंगे ये क्या लिखा है, व्हाट डू यू वांट टू से, फिर वो हम कहेंगे आसान भाषा में बताओ भाई क्या चाहते हो। सो यू नो दैट समथिंग वी विल डिवेलप, दैट इज समथिंग यू विल डिवेलप व्हेन आपके बैक ऑफ द माइंड में हर चीज को लेके पेस्ट चल रहा होगा। ये वाटर बॉटल से शुरू किया था हमने, वी केम ऑन टू मोबाइल एंड लैपटॉप, वी केम ऑन टू क्या सोशल इश्यूज चल रहे हैं, ये सारी क्या मसले चल रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें याजूज माजूज यासीन, मतलब बहुत सारे लोग, बहुत सारी चीज़ें। मैडम सिलेबस नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करना है। सलीम, वी हैव डिस्कस्ड द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सिलेबस विच इज़ पॉलिटिकल सोशल एंड इकोनॉमिक इशूज़,
जिसके ऊपर आपका 20 नंबर का सवाल आता है, उस चीज के लिए आपने बेस्ट एनालिसिस को समझ लें, हिफ्ज कर लें, याद कर लें, हर चीज को पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली और टेक्नोलॉजिकली देखें। जो चीज मैं आज आपको इस पेपर के लिए बता रही हूँ, एक्चुअली यही चीज आपके हर पेपर पे अप्लाई होगी। अगर आपको पता है कि करंट क्या है, तो मैं आपको एक बात बता दूं, जब इस्लामियत का पेपर आपके पास आता है, तो जब वो आपसे सवाल करते हैं, वो आपको कहते हैं इन द कंटेम्प्ररी वर्ल्ड, आज की दुनिया में। फिर अगर आपका कोई पाकिस्तान अफेयर्स का पेपर आता है या इंडो पाक हिस्ट्री का पेपर आता है, तो वो कहते हैं कि जी इंडिया और पाकिस्तान और मुगल हिस्ट्री एंड दिस एंड दैट एंड हाउ डू वी डिराइव रिजल्ट्स फॉर टुडेज वर्ल्ड, व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम हिस्ट्री फॉर टुडेज वर्ल्ड, हाउ डू यू कंपेयर टुडेज वर्ल्ड टू व्हाट हैपेंड इन द पास्ट। सो व्हाट वी हैव बीन डिस्कसिंग इज द वेरी फर्स्ट पार्ट, पेस्ट एनालिसिस को याद रखें, पास्ट पेपर्स दो हम स्टडी करेंगे। आज मैंने आपको क्या चीजें बताई हैं वो मैं जल्दी से रीकैप कर देती हूँ दो मिनट के अंदर, एंड देन आई एम गोना टेल यू अ लिटिल अबाउट माय सेल्फ। आज जो मैंने चीजें आपको बताई हैं वो ये बताया है कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल एंड टेक्नोलॉजिकली आपने टॉपिक्स को कैसे इवेल्यूएट करना है, उनके फना पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल इम्पैक्ट्स क्या हैं, ये आपने अपने दिमाग में ऑब्जर्व करने हैं। दूसरी चीज, आपने डॉन और इकोनॉमिस्ट, ये दो ऑथेंटिक पेपर्स को अपनी रोज की रीडिंग हैबिट में लाना है। इनको पढ़ना कैसे है वो नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि पहले एटलीस्ट आप वो लगवा तो लें। आज मैं आपको पढ़ना सिखाऊं तो अभी पेपर ही नहीं लगा होगा। सो और जिनके घर में ऑलरेडी पेपर आता है, इट्स वेरी गुड फॉर यू। मैं आपको एक बात बता दूँ, पीपल हु क्वालिफाई CSS, मोस्ट ऑफ देम आर अवेड रीडर्स, दे आर कीन ऑन रीडिंग, वो रीडिंग गाहे बगाहे करते रहते हैं। जो आपसे ये कहेगा कि मैं नहीं पढ़ता, तो मैं उसका भी बता दूं कि वो पढ़ता है, वो कुछ ना कुछ निकालेगा और वो डॉन से या इकोनॉमिस्ट से पढ़ेगा। बिकॉज सी, आपका इंटरेस्ट भी कोई चीज होती है। फॉर एग्जाम्पल, समबडी इज इंटरेस्टेड इन रीडिंग स्पोर्ट्स न्यूज, सो उसको स्पोर्ट्स न्यूज सिर्फ जियो से नहीं मिलती। वी नन ऑफ अस वॉच टीवी एनीमोर, वो केबल का दौर जिसमें हम बड़े हो रहे थे और सास भी कभी बहू थी आता था और हम 8 बजे से 12 बजे तक बैठते थे, दैट्स गॉन। ठीक है, और HBO हमारे पास रिपीट में 2-4 फिल्में था वो लगाता रहता था, एंड नाउ वी आर बोर्ड विद दिस, हमने छोड़ दिया है, अब सारे नेटफ्लिक्स पे चले गए हैं और नेटफ्लिक्स से आपको न्यूज तो मिल नहीं रही। सो जिसको भी पता है कि PSL की टिकट्स मिल रही है, PSL होगा नहीं होगा, कोरोना वायरस, या तो वो वेबसाइट से डायरेक्टली जाके पढ़ते हैं या वो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और न्यूज़पेपर की साइट्स हैं। और या अगर वो नहीं पढ़ते ये दोनों चीज़ें, तो उनकी जो फ्रेंड लिस्ट होती है फेसबुक की, उसमें किसी ना किसी ने कोई एक आर्टिकल शेयर किया होता है, वो आर्टिकल खोल के पढ़ता है। सो जो आपसे कहता है कि वो नहीं पढ़ता न्यूज़पेपर, वो भी न्यूज़पेपर पढ़ता है। आप में से हर एक को न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट बनानी पड़ेगी। आपने उसको 20 मिनट दें शुरू में, उसके बाद 25 मिनट दें, ये आपकी एक हेल्दी प्रैक्टिस है। आप में से कितने लोगों के पास न्यूज़पेपर आता है, प्लीज रेज योर हैंड्स। रेज योर हैंड्स, कमेंट तो आप कर रहे हैं, रेज योर हैंड्स, आई विल बी एबल टू सी द नंबर। ओके, दिस इज वंडरफुल, डॉन लगवा लें, डॉन इज गोइंग टू हेल्प यू। नेक्स्ट क्लास में मैं भी कोशिश करूंगी कि मैं आपको अपने बैकग्राउंड में वर्ल्ड मैप दे दूँ। तो वर्ल्ड मैप जो है वो एक अच्छा सा ऐसे साइज का जिसमें आप रीड कर सके कंट्रीज के नाम, बिकॉज कोई थोड़ा आईसाइट का इशू होता है। डॉन लगा लें बस पहले, मुर्तजा हैव डॉन सारे लोग लगा लें, ठीक है, इतना महंगा पेपर भी नहीं है और थोड़े पैसे उस पर डॉन पे खर्च हो जाएंगे, नॉट अ ट्रबल एट ऑल, बिकॉज आपकी अंग्रेजी सही हो जाएगी, वोकैबुलरी आप पिक कर लोगे, इट्स गोइंग टू ऐड अप टू अ लॉट ऑफ थिंग्स। 3 महीने के लिए तो लगा ले, लेकिन उसको ऐसे नहीं लगाना जैसे जिम की मेंबरशिप लेते और नहीं जाते, उसको ऐसे लगाना है कि वो पकौड़ों में नहीं इस्तेमाल हो जाए, पढ़ लें उसको। और उसको कैसे पढ़ना है वो मैं अगली क्लास में बताऊंगी, मतलब उसके थोड़े पैसे वसूल हम कर लेंगे। तो
आई विल टेल यू कि ये चीज़ पकड़ लें, ये चीज़ पकड़ लें, बट वो सिर्फ पकौड़ों के लिए काम ना आए. रमज़ान वैसे भी ओवर हो गया है, अम्मा ने उठा के आप ही के सर पे दे देना. यूज़ इट. मैप ले आए, वर्ल्ड मैप एक साइजेबल ले आए जिसमें आप रीडिंग कर सकें, बिकॉज द क्लास इज गेटिंग ओवर. मैंने आपको दो चीज़ें ये बता दी हैं, डॉन लगा लें, वर्ल्ड मैप ले लें. मैंने पेस्ट एनालिसिस आपको फर्स्ट पार्ट ऑफ सिलेबस बता दिया है. इसके अलावा मैंने आपको दो पास्ट पेपर्स भी बता दिए हैं. प्लीज राइट इट डाउन, ये आप अपने पास लिखे. मैं आई मेक श्योर कि व्हाट्सएप में मैसेज पे आपको ये होमवर्क मिल जाए. होमवर्क है कि यू हैव टू गेट योर डॉन, यू हैव टू गेट योर वर्ल्ड मैप, यू हैव टू डू 2 years ऑफ पास्ट पेपर्स. उसमें क्या करना है, उसको सिर्फ गो थ्रू करना है, पढ़ना है, कुछ नहीं करना उसका. कोई जवाब नहीं बनाने, कोई आउटलाइंस नहीं बनानी, कुछ नहीं करना. जस्ट गो थ्रू द पेपर कि ये 2 साल, क्योंकि आप चाहे नहीं चाहे अब अगली अटेम्प्ट में जब आप अपेयर हो रहे होंगे तो करंट अफेयर्स का पेपर आपके सामने आ जाएगा. और जब वो आ जाएगा तो उसे अटेम्प्ट भी करना है और अच्छे से अटेम्प्ट करके पास भी होना है. तो उसकी तैयारी अगर आज आप करेंगे तभी आज से कोई 80-100 दिन के बाद जब आप पेपर में बैठे होंगे तो आप कहेंगे कि चलिए अब मैं कोई इज्जत बचा लूं, थोड़ी इसमें कुछ लिख दूं. सो यू हैव टू रीड द पास्ट पेपर. पास्ट पेपर से वैसे भी खौफ कम होता है. पेपर का जो एक बहुत हमने हवा बनाई होती है कि पता नहीं क्या चीज़ है, पेपर वैसा ही आएगा. पेपर इज यूजली, कैन वी एक्सेस द पास्ट पेपर्स फ्रॉम द इंटरवेब? यस, एब्सोल्युटली. पेपर आप लिखेंगे आपको CSS फोरम से मिल जाएगा. Mostly CSS forum से मिल जाता है, but what I can do is I can also make it available for you somehow. हम थोड़ा WhatsApp पे कोशिश करके इनको paper भेज देंगे आप लोगों को. 2 साल का paper देख लें, Dawn लगा लें, World Map लगा लें. I think I've talked enough. मैंने आपको 3 important चीज़ें बता दी हैं, Past paper, Dawn, World Map, और जो मैंने most important चीज़ आज आपको सिखाई है वो है PEST. मैडम नेक्स्ट क्लास कब होगी? दिस इज समथिंग आई एम गोइंग टू डिसाइड इंशाल्लाह. आप मुझे बता दें, हम 2-1 दिन के अंदर ही विल मेक द नेक्स्ट क्लास अवेलेबल फॉर यू ऑल. और मीन वाइल आप डॉन लैपटॉप से बिल्कुल पढ़ सकते हैं आप. यस, आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग अबाउट मी. ओके, बिकॉज फिर हमने क्लास एंड भी करनी है. माई नेम इज सारा जावेद, यू मस्ट हैव नोन दैट. आपके पास जब इन्वाइट आया होगा. I am CSS qualified from 2014 batch. I am working with Pakistan Administrative Services. Right now I am posted in District South Karachi. और मैं Deputy Commissioner South के साथ I am working on his team. I am Assistant Commissioner Revenue. In the past 5 years I've remained in the field and I've remained Assistant Commissioner Sadar. I've remained Assistant Commissioner Garden. I've remained Assistant Commissioner Landi. Assistant Commissioner Site Area, that's industrial area. I've also been on posting to Hyderabad and I've remained Assistant Commissioner Hyderabad City. Mere experiences mein maine election, census, COVID ki bahut sari activities hum run karte hain. Currently I publish the lockdown orders. So jab government mein aap bahut sare field ke jobs kar rahe hote hain, this is where I am working right now. और बस अल्लाह का बहुत करम है. आई बिलीव कि हम हर रोज़ स्ट्राइव करते हैं क्योंकि हमें वी कैन नॉट एस्केप इट. अगर आप कुछ ना कर सकें तो फिर आप उस सीट पे ना बैठें. अगर आप बैठे हैं, यू आर पोस्टेड समवेयर, सो यू मेक मोस्ट ऑफ इट हैपन. सो इसमें बस अल्लाह का बड़ा करम है कि वी वर्क वेरी हार्ड. आई एम नॉट इन द फील्ड राइट नाउ बट आई एम विद a field formation because Deputy Commissioner South is a field formation. So CSS qualify kiya, uske baad training, then I came back to Karachi. I might be very soon going somewhere else to serve. I am eligible for promotion this year. So I'm going to be promoted to grade 18, then I won't be assistant commissioner anymore. या वो हमें एडिशनल डिप्टी कमिश्नर लगाते हैं या डिप्टी सेक्रेटरी सेक्रेटेरिएट में लगाते हैं. देर आर अदर प्रोजेक्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑल्सो. पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऐसी सर्विस है जिसमें आप वेरियस फ्रंट्स पे काम कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल पुलिस में यू डू द पुलिस वर्क. वो सर्विस एक डायरेक्शन की और एक ही ओरिएंटेशन की है कि इट्स अ फोर्स. बट पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में यू कैन वर्क विद यू नो एजुकेशन एंड हेल्थ एंड फील्ड. Likewise,
तो इसी तरह से ये अल्लाह की मर्जी होती है कि वो आपको किस सर्विस में रखे और आपका पोटेंशियल कहाँ बेस्ट यूटिलाइज हो. सो थैंक यू सो मच. आई एम रिसीविंग अ लॉट ऑफ गुड विशेस फ्रॉम यू ऑल एंड आई बिलीव आई विल सी मेनी ऑफ यू कम इन एज ऑफिसर्स बिकॉज हम डे वन से आपको ऑफिसर लाइक ट्रीट करते हैं. सो आप ईच वन ऑफ यू इज रियली इम्पॉर्टेंट टू मी बिकॉज यू सिटिंग इन एन एग्जाम विच इज गोइंग टू ब्रिंग यू अ लॉट ऑफ प्रेस्टीज एंड अ लॉट ऑफ विजडम. ये पेपर ऐसा है जिसकी तैयारी जस्ट नेचुरली आपको कोई डिग्री नहीं दिलाएगी, आपको कोई ऐसी गोल्डन क्वालिफिकेशन की सर्टिफिकेट नहीं मिलेगी, बट इट विल जस्ट ब्रिंग यू अ लॉट ऑफ विजडम. जब आप और विजडम कैसे मिलता है, आप अगर आप बादशाह अकबर को देखें, he surrounded himself with courtiers जो बहुत समझदार होते थे because he was not educated himself. तो वो उनकी wisdom से learn करता था. आपके पास यहाँ पर ARTT में a lot of good teachers have been made available. और वो इसलिए आपको अच्छे teachers दिए गए हैं कि आप उनकी wisdom से सीखें. So I wish you all the best and I hope to see you soon next class. Next class से पहले आप please recommended books none. आज मैं आपको कोई रिकमेंडेड बुक्स नहीं बता रही. आई एम टेलिंग यू नो नोट्स टू प्रिपेयर. आई एम जस्ट टेलिंग यू गो थ्रू टू पास्ट पेपर्स टू इयर्स एंड देन गो थ्रू द पेपर. समबडी इज टेलिंग मी दैट आई एम वर्किंग असिस्टेंट डायरेक्टर पंजाब इरिगेशन डिपार्टमेंट. वंडरफुल. वी हैव अ लॉट ऑफ पीपल जो सर्विस से ही आगे बढ़कर CSS पे भी क्वालिफाई करते हैं. समटाइम्स दे बिकम टॉपर्स ऑल्सो. तो ये आपके पास बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है. एंड ईच वन ऑफ यू हम नेक्स्ट क्लास में थोड़ा मैं आपसे ना पैकेट इंट्रोडक्शन कराऊंगी कि कौन 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 से सेक्टर से आ रहा है, कितने लोग जॉब पे हैं, कितना. तो हमें असेसमेंट हो जाएगी कि क्लास कैसी है. आज क्योंकि हमने सिर्फ सिलेबस करना था तो आई रियली डोंट नीड टू नो मच अबाउट योर बैकग्राउंड इन एजुकेशन. बट जैसे मैं अब आपको न्यूज पेपर पढ़ना सिखाऊंगी कि कैसे पढ़ना है, तो फिर आई वॉन्ट टू नो कि आपका बैकग्राउंड कैसा है, किसने कितनी रीडिंग की है, कौन कौन सी डिग्री से या बैकग्राउंड से आ रहा है. तो उससे फिर हम आपको वहीं से लेकर चलेंगे. वी विल टेक यू फ्रॉम द लेवल दैट यू आर. सो बिफोर वी हैंग अप ऑल द बेस्ट एवरी वन. अ वेरी हैप्पी बिलेटेड ईद एंड होप टू सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू सो मच. यहाँ से एंड कर दें. And meeting for all.